बलरामपुर जिले के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत महाराजगंज तराई और महमूदनगर के बीच सैमरी मोड़ से 3 किलोमीटर पश्चिम माता मंदिर स्थान के निकट निर्माणाधीन RCC बॉक्स कलवट पुल निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा है। सुस्त कार्य से पुल की छत अभी तक नहीं पड़ पाई है, जिससे क्षेत्र के खैरहनिया गन्ना क्रय केंद्र से करीब 2 लाख क्विंटल गन्ना किसानों का बिकने में समस्या होगी। इसी समस्या को लेकर कई गांव तथा क्षेत्रीय सैकड़ों किसानों ने पुल के पास आज विरोध प्रदर्शन कर जल्द पुल की छत बनाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DB भारती समाचार, संवाददाता KB गुप्ता के साथ। तुलसीपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरहनिया में गन्ना क्रय केंद्र करीब 22 वर्षों से चल रहा है, जिसका सप्लाई तुलसीपुर सुगर मिल को जाता है और गंजड़ी समय माता मंदिर के पास करीब 1 वर्षों से पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका छत न पड़ने की वजह से आवागमन पूर्णतः बाधित है। क्षेत्र के अन्य गांवों के जैसे गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों को एम्बुलेंस का सहारा न मिल पाता है और जो गन्ना क्रय केंद्र है इस पे करीब सीजन में 2 लाख क्विंटल के आसपास सप्लाई गन्ना जाता है। बताओ अजय, क्या नाम पड़ी आपका? अजय कुमार सिंह। क्या समस्या है? समस्या यही पुल का है। कौन सा पुल? यही समय माता मंदिर पुल। तुलसीपुर विकास खंड अंदर का आता है ये? हाँ, तुलसीपुर विकास खंड। तो कितने दिनों समस्या है ये? ये लगभग 1 वर्ष से है समस्या। अच्छा, क्या समस्या है पुल का? समस्या यह है कि अगर गन्ना किसान कम से कम 22-24 ग्राम सभा के गन्ना किसानों के लिए परेशानी होगी। अगर कौन कौन से गांव आते हैं? गांव आता है खैरहनिया और टेढ़ी परास और भुजहरा, खैरहनिया, टेढ़ी परास, भुजहरा, जोखवा, मनोहरापुर, मैनहवा, रामगंज है, पूरे समस्या में हैं इन लोग। और इस साल अगर ये पुल नहीं निर्माण हुआ 1 महीने के अंदर अंदर, तो तकरीबन कम से कम जो है सैकड़ों किसान, जो है हजारों किसानों को बहुत बड़ी समस्या होगी इस पर। और जो है इस समस्या से जो है अगर नहीं, किसानों के लिए क्या समस्या होगा? किसानों के लिए समस्या ये होगा, अगर केरे कंद नहीं लग पाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ना तो गेहूँ की बुआई हो पाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।